and welcome to TeesMeinTees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek tees khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. Tees khabrein fatafat. Shah Rukh Khan ne recently award night par Bollywood ki leading ladies Katrina Kaif, Deepika Padukone aur Madhuri Dixit ke saath kiya perform aur is performance ki ek choti si jhalak hum aapke liye lekar aaye hain. 30 khabrein fatafat. रणवीर सिंह नजर आए फुल पार्टी के मूड में. कल रात रणवीर ने की जमकर पार्टी. हमेशा यूनिक स्टाइल में नजर आने वाले रणवीर का लुक इस बार भी काफी डिफरेंट रहा. 30 खबरें फटाफट. कैटरीना कैफ ने सलमान खान के साथ की जमकर पार्टी. अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रिसेंटली कैटरीना सलमान खान से मिलने पहुंच गई उनकी फिल्म ट्यूबलाइट के सेट पर. और यहां कैटरीना ने सलमान खान से मिलने के लिए शूट खत्म होने का किया इंतजार. और इसके बाद सलमान खान ने कैटरीना के लिए सेट पर ही थ्रो की एक स्पेशल पार्टी, जिसे इन दोनों स्टार्स ने रात भर किया एंजॉय. 30 खबरें फटाफट. बॉलीवुड में शुरू हो सकती है एक नई खान वॉर. रिपोर्ट्स हैं कि आमिर और सलमान दोनों ने ही चूज कर ली है अपनी अपनी साइड. आमिर जहां ऋतिक की काबिल को प्रेज कर रहे हैं, वहीं सेम डे 25 जनवरी को रिलीज हो रही शाहरुख की फिल्म रईस को सलमान ओपनली सपोर्ट और प्रमोट कर रहे हैं. यानी सलमान शाहरुख का साथ दे रहे हैं तो ऋतिक को आमिर का साथ मिल गया है, जिसका असर कहीं ना कहीं सलमान और आमिर की दोस्ती पर भी पड़ सकता है. और बॉलीवुड में शुरू हो सकती है सलमान वर्सेस आमिर. 30 खबरें फटाफट. दीपिका पादुकोण बहुत जल्द होने वाली हैं अपने घर को छोड़ मुंबई के एक होटल में शिफ्ट. रिपोर्टेडली दीपिका अपनी अपकमिंग फिल्म पद्मावती के शूटिंग स्केड्यूल के कंप्लीट होने तक गोरेगांव के एक 5-स्टार होटल में स्टे करेंगी. आपको बता दें, दीपिका मुंबई के प्रभा देवी में रहती हैं और उनकी फिल्म का सेट मुंबई के फिल्म सिटी गोरेगांव में है. पी कार्स में प्रभा देवी से गोरेगांव पहुंचने में काफी समय लग जाता है. ऐसे में टाइम वेस्ट होने के डर से दीपिका गोरेगांव में ही शिफ्ट होने वाली हैं. और कुछ ऐसा ही रणवीर भी करेंगे. जनवरी मिड से पद्मावती की शूटिंग रिज्यूम करने वाले रणवीर भी गोरेगांव में ही शिफ्ट हो जाएंगे. 30 खबरें फटाफट. कंगना नजर आई एक स्टनिंग लुक में. कंगना रनौत को कैप्चर किया गया था एयरपोर्ट पर. कंगना के इस लुक को देखकर वैसे तो आपको कहीं ना कहीं उनके रियल लाइफ कैरेक्टर तनु की याद आ जाएगी. बट वी मस्ट से, हेड टू टो ब्लैक में कंगना काफी स्टाइलिश लग रही हैं. और कंगना के एयरपोर्ट स्टाइल को बीट करना वाकई इतना भी आसान नहीं है. 30 खबरें फटाफट. लेटर ऑन द शो, ऋतिक रोशन ने एक्स वाइफ सुजान और किड्स रेहान और रिदान के साथ किया क्वालिटी टाइम स्पेंड. रणबीर कपूर के लिए संजय दत्त का रोल प्ले करना काफी टफ है. अब संजय दत्त को तो यही लगता है. एक इंटरव्यू में संजय ने कहा कि रणबीर का डेली उनके पास फोन आता है उनसे टिप्स लेने के लिए, लेकिन संजय चाह कर भी हाफ एन आवर से ज्यादा किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं. और इसीलिए अकॉर्डिंग टू संजय वो रणबीर को अवॉइड भी करते हैं. दो रणबीर एक फाइन एक्टर है, ऐसा भी संजू बाबा का कहना है. 30 खबरें फटाफट. ऋतिक रोशन नजर आए अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए. ऋतिक को उनके दोनों बेटे रेहान और रिदान के साथ किया गया स्पॉट. यहां उनकी एक्स वाइफ सुजान भी मौजूद थी. ऋतिक अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर के लिए गए हुए थे. 30 खबरें फटाफट. रिसेंटली मलाइका अरोरा खान ने अपनी सिस्टर अमृता और फ्रेंड करीना कपूर खान के लिए रखी एक छोटी सी पार्टी, जिसे इन तीनों एक्ट्रेसेस ने किया खूब एंजॉय. करीना अपनी प्रेगनेंसी को फुल ऑन एंजॉय कर रही हैं और पिछले कुछ दिनों में मलाइका के साथ उन्हें कई बार स्पॉट किया गया है.
30 खबरें फटाफट। सलमान, उलिया, मलाइका और अरबाज ने की एक साथ पार्टी। दरअसल सोहेल खान ने अपने सन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी रखी थी, जहां पूरा खानदान आया एक साथ नजर। यहां तक कि एक्सेस मलाइका और अरबाज भी यहां दिखे साथ। हालांकि मलाइका और अरबाज यहां अलग अलग कार्स में पहुंचे थे, वहीं सलमान और उलिया भी डिफरेंट कार्स में आए। 30 खबरें फटाफट। अकी की वाइफ ट्विंकल की फर्स्ट प्रोडक्शन होगी एक बायोपिक फिल्म। खबरों की माने तो अकी इस फिल्म में ऐसे करेंगे अरुणाचलम मुर्गानंदम का कैरेक्टर। आपको बता दे, अरुणाचलम मुर्गानंदम वो मैन है जिन्होंने लो कॉस्ट सैनिटरी पैड्स बनाने वाली मशीन क्रिएट की थी फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। और अब अकी ट्विंकल की प्रोडक्शन फिल्म में इस कैरेक्टर को जिएंगे। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा और कटरीना कैफ की साथ में ये पिक्चर वायरल हो गई है। दोनों की ओल्ड पिक्चर में इनकी केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ कैसी है वो दिखाई दे रही है। इस पिक्चर को तो कटरीना और अनुष्का दोनों ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया है और साथ ही कटरीना ने इसे कैप्शन दिया है, अनुष्का शर्मा एंड मी ऑलवेज सीम टू हैव फन ऑन काउचेस टुगेदर। वेल, दोनों की इस पिक्चर को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं करण के शो पर दोनों ने कितनी मस्ती की होगी। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो फिल्म रईस रिलीज से पहले बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस सकती है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक कम्युनिटी ने सेंसर बोर्ड को लेटर लिखकर शाहरुख खान की फिल्म में दिखाए गए सीन्स का विद्रोह किया है। इस कम्युनिटी का कहना है कि फिल्म के पर्टिकुलर सीन्स पर उन्हें एतराज है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली आलिया भट्ट को फिल्म उड़ता पंजाब के लिए मिले अवार्ड के बाद कहा गया था कि सोनम कपूर फिल्म नीरजा को अवार्ड ना मिलने से काफी सैड हैं। लेकिन अब जबकि सोनम कपूर को उनकी फिल्म के लिए अवार्ड मिला है तो उन्होंने विटीली कहा है कि उनके लिए नीरजा भानोट का रोल प्ले करना एक अवार्ड के बराबर लगा। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत ने सलमान खान जैसे सुपरस्टार को बीट कर दिया। खबरें हैं कि सुशांत गूगल ट्रेंड्स 2016 की लिस्ट में टॉप पर हैं, वहीं सलमान खान फिफ्थ पोजीशन पर हैं। वेल, ये लिस्ट काफी सरप्राइजिंग भी है। टॉप पर सुशांत जो ट्रेंड कर रहे हैं। वैसे कहा जा रहा है कि अंकिता के साथ उनका ब्रेकअप, फिर बायोपिक MS धोनी का 100 करोड़ क्लब में शामिल होना और सोशल मीडिया पर उनका एक्टिव होना इसका रीजन है। 30 खबरें फटाफट। सनी लियोनी का लैला अवतार नेक्स्ट वीक आएगा सबके सामने। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, फिल्म रईस में सनी का आइटम सॉन्ग लैला ओ लैला, जो कि नेक्स्ट मंथ रिलीज होना था, अब उस सॉन्ग को नेक्स्ट वीक ही रिलीज किया जाएगा। रिपोर्टेडली रईस के मेकर्स को लगता है क्योंकि ये एक पेपी नंबर है, इसीलिए इस सॉन्ग को फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही अनवेल करना फायदे का सौदा है। वैसे भी रईस के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश कर रही काबिल भी अपने आइटम नंबर सारा जमाना रिलीज कर चुकी है, तो ऐसे में रईस के मेकर्स कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। 30 खबरें फटाफट। सिद्धार्थ मल्होत्रा हुए फिल्म रीलोड के सेट पर इंजर्ड। बैंकॉक में अपनी फिल्म रीलोड की शूटिंग कर रहे सिद्धार्थ को एक एक्शन सीक्वेंस करते हुए एंकल इंजरी हो गई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें रेस्ट की एडवाइस दी। हालांकि टाइट शेड्यूल की वजह से सिद्धार्थ ने ज्यादा रेस्ट ना करते हुए फिल्म की शूटिंग को कंटिन्यू कर दिया है। आपको बता दे, सिद्धार्थ जैकलीन की फिल्म रीलोड 25 अगस्त यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन रिलीज होगी। फेस्टिवल हॉलीडेज का फायदा उठाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने ये डिसीजन लिया है। 30 खबरें फटाफट।
टाइगर श्रॉफ अपने डैड जैकी श्रॉफ के साथ पहुंचे करण जौहर के चैट शो पर। रिपोर्टेडली इस शो पर टाइगर ने खुलकर अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड दिशा पाटनी पर बात की। साथ ही जैकी श्रॉफ ने भी टाइगर की पर्सनल लाइफ को लेकर आने वाली खबरों पर रिएक्ट किया। करण की टीम को लगता है कि टाइगर और जैकी श्रॉफ स्टारा ये एपिसोड ऑडियंसेस को आएगा खूब पसंद। 30 खबरें फटाफट। हॉट बॉड वाली मलिका शेरावत के फैंस के लिए है एक बैड न्यूज। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, मलिका अब इंडिया नहीं आएंगी और बॉलीवुड फिल्म्स भी नहीं करेंगी। रिपोर्टेडली मलिका, जो अपने फ्रेंच बॉयफ्रेंड के साथ मई में पेरिस में ऑलरेडी शादी कर चुकी हैं, उन्होंने शायद अब वहीं सेटल डाउन करने का मन बना लिया है। 30 खबरें फटाफट। लास्ट वीक मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट हुए वेटरन एक्टर दिलीप कुमार सही सलामत अपने घर वापस लौट आए हैं। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सायरा बानो ने लोगों को उनकी दुआओं के लिए किया शुक्रिया। सर की तबीयत अच्छी है, 7-8 दिन से उनको लेग के ऊपर बहुत स्वेलिंग हो गई थी, तो हम यहाँ घर पे घबरा गए तो हॉस्पिटल में एडमिट हुए अंडर नितिन गोखले। तो कहा कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, यानी कि नस में जो क्लॉट हो जाता है वो, तो उस क्लॉट को जो पिघलाने के लिए दवा दी जाती है वो अंडर सुपरविजन मॉनिटर पे दी जाती है, मॉनिटरिंग पे। तो वो दवाएं दी हैं 7-8 दिन। अब सर इज़ फीलिंग मच बेटर और सब मीडिया फ्रेंड्स और फैंस जो हैं उनकी दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि हम वापस घर आ गए। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। अब आप आगे भी दुआ कीजिए कि वो बिल्कुल सेहतयाब हो जाए, पूरी तरह से सेहतमंद हो जाए। ही शुड बी वेल एंड ही शुड रेस्ट एट होम एंड बी एब्सोल्युटली फिट। थैंक यू सो मच। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, क्या सोनम करने वाली हैं आनंद आहूजा के साथ अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल। खबरें फटाफट। खबरों की माने तो सुष्मिता आजकल एक फिल्म प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही हैं। दरअसल सुष्मिता अगले साल कुछ नया स्टार्ट करने वाली हैं और इसीलिए सुष्मिता हैप्पी हैप्पी मूड में की गई कैप्चर। सुष्मिता की ये खुशी उनके चेहरे से साफ नजर आ रही है। 30 खबरें फटाफट। अभिषेक बच्चन को अक्सर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है उनके पोस्ट पर, लेकिन इस बार अभिषेक ने रेफ्यूजी के टाइम की एक ओल्ड पिक्चर पोस्ट करते ही ट्रोलर्स को पहले से ही जवाब दे दिया ताकि वो कुछ भी कमेंट ना करे। अभिषेक ने पिक्चर के साथ ये लंबा सा पोस्ट लिखा है। वेल, अब अभिषेक के ट्रोलर्स अभिषेक की बात को मानते हैं या नहीं, देखने वाली बात होगी। 30 खबरें फटाफट। कंगना को नहीं पड़ता फैशन पुलिस से डर। कंगना का कहना है दैट शी डजंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से। वो एक शो बिजनेस में है एंड शी जस्ट कांट प्लीज एवरीवन। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन की फिल्म काबिल पर रिलीज से पहले लगा सीरियस एलिगेशन। अमेरिकन एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग कंपनी ने काबिल पर उनकी ओरिजिनल प्रोडक्शन डेयर डेविल की कॉपी होने का लगाया आरोप। रिपोर्टेडली ये अमेरिकन एंटरटेनमेंट स्ट्रीमिंग कंपनी काबिल के मेकर्स को सू करने की भी तैयारी कर रही है। वहीं इन एलिगेशन पर काबिल के डायरेक्टर संजय गुप्ता का कहना है कि फिल्म काबिल और डेयर डेविल का कंपैरिजन प्रिपोस्टरस है और अगर अमेरिकन स्ट्रीमिंग कंपनी उन्हें सू करती है तो वो फाइट बैक करेंगे। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर नजर आई अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा के साथ। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, सोनम और आनंद 2017 में अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल कर सकते हैं और इसीलिए अब सोनम को आनंद के साथ पब्लिकली क्लिक होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 खबरें फटाफट।
आदित्य रॉय कपूर ने अपने एक फैन की विश की पूरी। दरअसल आदित्य का ये फैन पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार एक पिक्चर के लिए फॉलो कर रहा था और जैसे ही ये बात आदित्य को पता चली वो तुरंत अपने घर के बाहर आए और इस फैन के साथ न सिर्फ पिक्चर क्लिक की बल्कि टाइम भी स्पेंड किया। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह और वाणी कपूर के हॉट एंड स्टीमी सीन्स थिएटर्स में तो ऑडियंसेस को देखने के लिए मिल गए, लेकिन रिपोर्टेडली टीवी से ज्यादातर किसिंग सीन्स को चॉप कर दिया जाएगा, खास करके सॉन्ग लबों के कारोबार को। 30 खबरें फटाफट। युवराज सिंह और हेजल कीच की शादी पर इस कपल को वैसे तो कई लोगों ने विश किया, लेकिन रिपोर्टेडली जब युवराज को अपनी एक्स किम शर्मा से विशेस मिली तो वो सरप्राइज्ड रह गए। रिपोर्टेडली किम शर्मा ने युवराज को उनकी शादी के बाद विशेस भेजे हैं। 30 खबरें फटाफट। रजनीकांत अक्षय कुमार स्टारा फिल्म रोबो 2.0 के सेट को पहुंचा नुकसान। रिपोर्टेडली चेन्नई में आए वर्धा तूफान की वजह से इस फिल्म के सेट को काफी नुकसान पहुंच गया है और इसकी वजह से फिल्म की शूटिंग में हो सकती है देरी। 30 खबरें फटाफट। अनुराग बासु और सेंसर बोर्ड चीफ पहलाज नेहलानी आ गए हैं आमने सामने। पहलाज नेहलानी ने अनुराग बासु को लाया कह दिया है। दरअसल रिसेंटली हुए एक कैंसर इवेंट पर अनुराग को एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था, लेकिन अनुराग वहां नहीं पहुंचे और इशू को बढ़ता देख उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि वो सेंसर बोर्ड के ऑफिस में फंसे हुए थे। अनुराग के इस स्टेटमेंट के बाद पहलाज नेहलानी ने सामने आकर कह दिया दैट ही इज लाइंग, वो तो सेंसर बोर्ड के ऑफिस में रिसेंट पास्ट में भी नहीं आए हैं। 30 खबरें फटाफट।